वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे रिवोल्यूशन मूवमेंट पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग ने देखा था फेज वन में कैसे कैसे अनुशीलन समिति, फिर आपके गदर मूवमेंट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इंडियन रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया था। आज हम रेवोल्यूशन मूवमेंट पार्ट टू में देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मैंने पहले ही बताया था, अनुशीलन समिति जो पहले कलकत्ता और ढाका में था। कलकत्ता में अनुशीलन समिति में रेवोल्यूशन हुआ था, इतने अंग्रेजों को मारा था कि अनुशीलन समिति को रोकने के लिए ब्रिटिश एकदम तैयार हो गए थे। इसके लिए ब्रिटिश ने बनाया था सीआईडी, और सीआईडी को ये बोला गया था कि कोई भी अनुशीलन समिति का मेंबर अगर हो या फिर आपको शक भी हो तो उसी वक्त उसी जगह पर उसको गोली मार देना। तो इसके लिए अनुशीलन समिति में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए अनुशीलन समिति वहाँ से चली गई और जाके बनाए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके अगर फाउंडर की बात की जाए तो फिर फाउंडर थे आपके सचेंद्र नाथ संग्याल। वो बंगाल से चले गए थे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सचेंद्र नाथ संग्याल जो कि एक मेंबर थे आपके अनुशीलन समिति के, उन्होंने बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफुल्ला, उसके बाद और भी बहुत सारे मेंबर्स थे। तो इन दो मेंबर्स ने एक प्लान बनाया कि उनको एक ट्रेन लूट करना होगा। अब ये ट्रेन लूट करने का मेन रीजन यही था कि बंदूक या फिर गोला बारूद खरीदने के लिए आप समझ ही सकते हैं काफ़ी पैसा चाहिए होता है। तो ये पैसा वो कहाँ से लाए? एक वो काम कर सकते थे कि सामने वाले जो गांव के आदमी हैं उनको लूट सकते थे, जो कि आसान भी होता है, पर अपने देश को बचाने के लिए अपने लोगों को लूटना ये उनको सही नहीं लगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था ये काकोरी ट्रेन लूट। काकोरी ट्रेन के बारे में अगर कहा जाए तो फिर ये सहारनपुर से लखनऊ की तरफ ज़्यादा था। प्लान था कि काकोरी में ट्रेन की लाइन खींच के इसे रोका जाएगा, चेन खींच के इसको रोका जाएगा, और काकोरी के सामने एक जंगल भी है। तो प्लान था कि काकोरी के ये ट्रेन में ब्रिटिश जो सामान है, ब्रिटिश पैसा, फिर ब्रिटिश एमिनेशन, ये सब ले जाया जाएगा। तो यही प्लान किया गया था कि काकोरी में चेन खींच के ये ट्रेन रोका जाएगा और फिर जितना भी सामान है उसको लूट कर फिर यहाँ पर जंगल में वो लोग चले जाएंगे, फिर जंगल में ढूंढना मुश्किल होगा। अकॉर्डिंग टू द प्लान ये किया गया था 9 अगस्त 1925 को। अगर प्लान देखा जाए तो फिर ये प्लानिंग किया था आपके रामप्रसाद बिस्मिल और अशफुल्ला ने। ट्रेन तो मैंने पहले ही कहा था ये जा रहा था सहारनपुर से लखनऊ तक। ये सहारनपुर से जो लखनऊ तक जा रहा था, इस ट्रेन में टोटल 3 बॉगी थी जिसमें ब्रिटिश के सामान थे। उन 3 बॉगी पे ये रामप्रसाद बिस्मिल जी और अशफुल्ला जी ने प्लान किया था कि वो 3 बॉगी पे लूट करेंगे। ये 3 बॉगी ब्रिटिशर्स के है और ब्रिटिशर के जितने भी आर्मी है वो सब इंक्लूड थे। यहाँ तक कि इसमें ये भी बोला जाता है कि आज़ाद जी इसमें इन्वॉल्व थे, और आज़ाद जी के पास बहुत सारा मौका था कि ब्रिटिश जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो पुलिस ऑफिसर है उनको मारने के लिए, और उन्होंने बार बार यहाँ पर वार्निंग दिया था कि आप लोग सब इंडियन है और इंडियन के साथ दीजिए, हम आपको मारना नहीं चाहते। ये बोल के बहुत सारे इंडियन आर्मी जो थे उनको छोड़ दिया था यहाँ पर आज़ाद जी ने। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये जो लूट हुआ था ये काकोरी स्टेशन में हुआ था। काकोरी स्टेशन में जब ये लूट हुआ था, ब्रिटिश पूरा अंदर से हिल गई थी कि ब्रिटिश सामान पे या ब्रिटिश स्टेशन पे इंडियंस कैसे हमला कर सकते हैं। तब ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा अपना स्टेप्स कड़ा कर दिया, और उनको ये भी पता चला कि जो अनुशीलन समिति को वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो अनुशीलन समिति अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और अनुशीलन समिति अपने दूसरे नाम से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से चल रही है उत्तर प्रदेश में। इसलिए उन्होंने अपना सर्च और भी कड़ा कर दिया, और वहाँ पर ज़्यादातर जो मेम्बर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके ज़्यादातर मेम्बर्स को उन्होंने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफुल्ला, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा मिली थी इस काकोरी ट्रेन लूट के लिए। फिर आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वही बाद में बना जाके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने पूरा कैप्चर कर लिया था और पुलिस ने बहुत सर्च स्टार्ट कर लिया था, और ज़्यादातर जो रेवोल्यूशनरी पार्ट थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के उनको पकड़ लिया था। इसलिए जो बाकी बचे रेवोल्यूशन थे वो हट गए थे दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ जाके इसका नाम हो गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। इसके बारे में भी देख लेंगे, ये बना था 1928 में। अगर आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का याद है तो वो बना था आपका 1924 में।
उसके 4 साल बाद 1928 में बनाया था आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये बनाया गया था चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा। इसे बनाया गया था फिरोज शाह कोटला में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सीनियर मेंबर थे, जिसके जो लीडर है उसे चंद्रशेखर आजाद ही माना जाता है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था तब से इसमें इन्वॉल्व थे, पर बाद में इसका जाके नाम हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखते हैं भगत सिंह कैसे इस रेवोल्यूशन में इंक्लूड हो गए थे। भगत सिंह पहले से रेवोल्यूशन में इंक्लूड थे, पर वो वायलेंस की तरफ तब झुके थे जब ये कांड हुआ था। डेथ ऑफ पंजाब केसरी। पंजाब केसरी तो आपको पता ही होगा कि लाला लाजपत राय का दूसरा नाम है पंजाब केसरी। ये हुआ था आपके 1928 में। 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया था ये देखने के लिए कि इंडियंस पे जो सब लॉ बना हुआ है वो इंडियंस पे ज्यादा टॉर्चर तो नहीं कर रहा, और इंडियंस के फ्रीडम के लिए कुछ बात करने के लिए भेजा गया था साइमन कमीशन को। पर ब्रिटिश जैसा दूसरा सब कमीशन या फिर कमिटी पर बैठा दिया, ये भी सिर्फ इसलिए किया गया था कि इंडियंस को दिखाया जाए या फिर दुनिया को दिखाया जाए कि ब्रिटिश उनके लिए कितना अच्छा सोचती है, और इनका ऐसा कोई असली में ब्रिटिशर्स का ऐसा अच्छा करने का कोई भी मन नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे उनमें से कोई भी इंडियन नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी मेंबर जब इंडियन नहीं है तब इंडियन अपना पर्सपेक्टिव रख ही नहीं सकते, और साइमन कमीशन अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी नियम बता सकता है। इसलिए साइमन कमीशन जब इंडिया पे आई तो साइमन कमीशन के खिलाफ चाहे कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम लीग या फिर अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज से सबने प्रोटेस्ट किया। उसी प्रोटेस्ट में से एक में थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने एक प्रोटेस्ट लीड किया था लाहौर में अगेंस्ट साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय की बात की जाए तो फिर वो रेवोल्यूशन लीडर थे, पर वो हमेशा नॉन वायलेंट को सपोर्ट करते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी तरह का वायलेंस हो, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को आने से पहले ही कहा था कि यहाँ पर किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होगा, और भगत सिंह भी उनकी बात मान गए थे। साइमन कमीशन जैसे ही आया स्टेशन में तब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट से इतना गुस्सा हो गए थे ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स को होता था ज्यादातर जो प्रोटेस्ट है वो सब लाला लाजपत राय होल्ड कर रहे कि वो वहाँ के लीडर थे। उन्होंने डिसाइड किया लाला लाजपत राय पे ही अटैक करेंगे। जिसने ये ऑर्डर दिया था उसका नाम था जेम्स स्कॉट। उसने ऑर्डर किया था लाठी चार्ज ऑन द प्रोटेस्टर्स। उन्होंने ऑर्डर किया कि लाठी चार्ज करो जो भी प्रोटेस्टर है, क्योंकि ये सब वायलेंट हो सकते हैं और साइमन कमीशन में जो हेड है उनको मतलब हार्म हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया था लाठी चार्ज। उनका मेन एम यही था कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज करना और उनको वहां मार गिराना। इसलिए जेम्स स्कॉट ने क्या किया, वो आगे बढ़ के लाठी चार्ज करने लगा लाला लाजपत राय के ऊपर। लाजपत राय के ऊपर उन्होंने इतना लाठी चार्ज किया कि लाला लाजपत राय की कुछ दिन बाद मौत हो गई। लाला लाजपत राय ने मरने से पहले ये बोला था कि जितने भी मुझ पर लाठी बरसाए गए हैं वो ब्रिटिश के ताबूत में एक नोक या फिर कील का काम करेंगे। तो यही हुआ था। तब भगत सिंह ने और ये पूरे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने डिसाइड किया था कि ऐसे ब्रिटिशर्स का टॉर्चर वो नहीं सह सकते, और ब्रिटिशर्स को कोई ना कोई जवाब देना होगा। इसके लिए हुआ था आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस आप तो नाम से ही समझ सकते हैं, लाहौर में हुआ था 1928 में। इसमें जॉन सॉन्डर्स नाम के एक ऑफिसर को गोली मार दी गई थी। अगर यहाँ पर नाम देखा जाए तो फिर ये जो है जेम्स स्कॉट, जेम्स स्कॉट के अंदर था सॉन्डर्स, मतलब जेम्स स्कॉट सबसे हेड था और उसके अंडर काम करता था सॉन्डर्स। तो जो इन्होंने देखा था कि ज्यादातर जो अटैक कर रहा और शायद लाल लाजपत राय में भी जिसने अटैक किया था वो शायद सॉन्डर्स ही था, इसलिए पहचानने में गलती हो गया और भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने जाके सॉन्डर्स को गोली मार दी। इस जगह पे चंद्रशेखर आजाद भी प्रेजेंट थे, पर उन्होंने गोली नहीं मारी थी, और जॉन सॉन्डर्स को जो गोली मारी गई थी वो मारा था भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने। ये गोली मारने के बाद दोनों डिस्पेयर हो गए थे और ब्रिटिशर्स को नहीं मिल रहे थे। उन्हें सर्च करने के लिए उन्होंने पूरा इंडिया सर्च किया, और स्पेशली आपके पंजाब के एरिया में बहुत ज्यादा टॉर्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने टॉर्चर स्टार्ट किया था तब उनको लोगों को ये समझाया जा रहा था कि देखो तुम्हारे ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है तब भी भगत सिंह और राजगुरु सामने नहीं आ रहा, वो लोग को तुमसे या फिर तुम्हारे देश से कोई मतलब नहीं है, और तुम फिर जितना भी टॉर्चर हो वो केयर नहीं करता है। ये बात को झूठ समझाने के लिए, इन ब्रिटिशर्स का झूठ समझाने के लिए भगत सिंह को आगे आना पड़ा था। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल
लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां पर बम फेंका था। जब वहां पर उन्होंने बम फेंका था तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वहां पर बम फेंक के वो वहां से हटते जाएंगे, और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, उन्होंने दोनों ने बम फेंक के वहां पर इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन देना स्टार्ट कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन देना जब स्टार्ट कर दिया, ये समझे जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बम फेंका तो बम ऐसी जगह पे फेंका था कि वहां पर आसपास कोई लोग नहीं थे और आसपास किसी को भी हार्म नहीं होता। भगत सिंह सिर्फ यही चाहते थे कि कोर्ट पे उनको ले जाया जाए और कोर्ट के थ्रू वो सबको या फिर दुनिया को बता पाए कि ब्रिटिशर्स इंडिया पे कितना ज्यादा टॉर्चर करते हैं। जब यहाँ पर उनको ले गया गया 1929 में जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे वो पहुंचे, भगत सिंह और उनके दोस्त बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। कोर्ट में जब ये पूछा गया कि उन्होंने बम जब फेंका था तब लोग तो कोई नहीं थे आसपास, तो उन्होंने बम क्यों फेंका था, तब भगत सिंह ने यह कहा था कि भैरे को उठाने के लिए बहुत बार बम की धमाके की जरूरत होती है। इसी बात को कहना चाहते हैं कि हमारे जो मॉडरेट लीडर्स थे जो शांति से ये चाहते थे ब्रिटिशर्स से बात करके ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे, भगत सिंह ने इनडायरेक्टली ये बोला था कि मॉडरेट तरीके से कभी किसी ब्रिटिशर को या फिर जो आप पे टॉर्चर करता है उसको हटा नहीं सकते, और उसके लिए बम का धमाका या फिर रेवोल्यूशन करना जरूरी होता है। वो जेल पकड़ने से पहले वो वहां से हटे नहीं थे, और जब तक वो खड़े थे वो स्लोगन दे रहे थे इनकलाब जिंदाबाद। जब तक वो वहां पर खड़े थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो स्लोगन दे जा रहे थे इनकलाब जिंदाबाद। अब जेल की बात करेंगे। जेल में आप जानते ही है भगत सिंह इसलिए गए थे ताकि उनको कोर्ट में जाने का मौका मिले और कोर्ट में वो अपना रिप्लाई दे सके कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे उनके ऊपर टॉर्चर किया। पर जैसे भगत सिंह को जेल में पकड़ा गया तब उनके खिलाफ गवाही देने के लिए उन्हीं के पार्टी के दो लोग को पकड़ा गया, हंसराज ओबाड़ा और जय गोपाल। उन्हें डर दिखाया गया और वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में चले गए, और वो आखिर में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे बैठे। भगत सिंह के खिलाफ जब गवाही दे बैठे, ये आपको बताया कि वो पहले तो जेल में सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बर्मिंग के लिए थे, और इसके बाद वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी एक्ट भी उन पर लगा दिया गया। उसके बाद भगत सिंह अलॉन्ग विद अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक। जब भगत सिंह गए जेल में तब उन्होंने देखा कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको दो हिस्से में डिवाइड किया जा रहा है। एक प्रिजनर वो है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, और दूसरे प्रिजनर्स वो है जो कि ब्रिटिशर्स के साइड में है पर दूसरे किसी क्राइम के वजह से अंदर है। और दूसरे जो प्रिजनर्स हैं उनको वो देखे कि बहुत आराम से जिंदगी मिल रही है और उनको किसी भी तरीके का मुश्किल नहीं है जेल में। ये देख के भगत सिंह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और भगत सिंह ने बोला कि जेल में जितने भी लोग हैं उनमें सबको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये जब ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया और ब्रिटिशर्स ने ये बताया कि उनको जैसा सही लगे वो वही काम करेंगे, तब भगत सिंह ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। भगत सिंह के इस बात से काफी जो प्रिजनर्स दूसरे थे उनको भी जोश आ गया और उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। जतिन दास उस हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेंट थे, और जतिन दास जी ने 63 डेज हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी मौत हो गई। उस जब जतिन दास की मौत हो गई तब ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि भगत सिंह की अगर मौत हो गई तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए उन्होंने चाहा बड़े बड़े लीडर्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को ये कहा कि भगत सिंह को कन्विंस कीजिए कि वो अपना हंगर स्ट्राइक छोड़ दे और हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी फांसी की सजा उठ जाए। पर ब्रिटिशर्स को तो आपको पता ही है कि वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट थे, उनका ऐसा कोई भी इच्छा नहीं था कि भगत सिंह को जेल से छोड़ना, क्योंकि भगत सिंह को अगर जेल से छोड़ा जाए तो भगत सिंह काफी बड़े लीडर हो चुके थे, वो काफी जन को इंस्पायर कर चुके थे, और ब्रिटिश एम्पायर के लिए उस टाइम पे भगत सिंह से बड़ा खतरा कोई नहीं था। तो जो भी हो उनके फैमिली ने उनके कन्विंस किया और 116 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद भगत सिंह ने ये छोड़ दिया था, हंगर स्ट्राइक छोड़ दिया था 116 दिन कंटिन्यू करने के बाद। आप सोच ही सकते हैं 116 दिन बिना खाए कोई कैसे रह सकता, और उसके ऊपर ऐसा नहीं है सिर्फ वो एक कमरे में बैठे हुए थे, 116 दिन उनके ऊपर ना जाने कितना टॉर्चर हुआ, वो तब भी सहते रहे और 116 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मिल गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये भी बहुत बोला जाता है और मूवीज में ज्यादातर दिखाया जाता है कि अगर महात्मा गांधी जाते तो महात्मा गांधी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों से बचा सकते थे, पर ये आप समझ लीजिए कि महात्मा गांधी की वही बात से ब्रिटिशर्स मानते थे जो उनके लिए फायदा हो रहा था। वो ऐसा कुछ नहीं मानते थे जिससे
का कोई नुकसान होता या फिर उनका कोई डेंजर होता, और भगत सिंह को छोड़ना उस टाइम ब्रिटिश के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता। भगत सिंह को इसलिए उसके उनके टाइम से पहले ही फांसी दे दी गई थी ताकि वो और ज्यादा लोगों को इंस्पायर ना कर सके और उनका फांसी ना रुक सके। भगत सिंह के साथ आपने अगर पहले के चैप्टर देखे होंगे या फिर आपने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडिया में जो फर्स्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो किया था आपके मंगल पांडे ने, तो मंगल पांडे के साथ भी सेम काम हुआ था और मंगल पांडे की फांसी सामने कर गई थी क्योंकि उन्होंने काफी लोगों को इंस्पायर किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए। तो जैसा मैं कह रहा था कि जो भी भगत सिंह की बात की जाती है, भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु की बात की जाती है कि गांधी जी अगर चाहते तो फिर वो रोक सकते, ऐसा कोई भी बात नहीं। गांधी की सिर्फ वही बात मानी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा जिससे मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं होता था। फिर उस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट मेम्बर थे और जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये शपथ लिया था कि वो कभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ पे नहीं पड़ेंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद जब 13 या 14 साल के थे तब ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया था और उनको जेल में काफ़ी उनको टॉर्चर किया गया था। उसी वक्त चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस स्टेशन में जेल में रहते हुए प्रॉमिस किया था, जेलर लोग को ये चैलेंज किया था कि इसके बाद कभी भी अंग्रेज उनको पकड़ नहीं सकते। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक रेवोल्यूशनरी से मिलने आए थे, रेवोल्यूशनरी का नाम नहीं लेता हूँ मैं यहाँ पर, एग्जाम से मिलने आए थे आपके अल्फ्रेड पार्क पे। पर वो जो आदमी था उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में आएंगे, तो उन्होंने 3 गाड़ी भेजी थी चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए। सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए 3 गाड़ी भेजी गई थी ताकि चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ा जा सके, क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद को जब भी उन्होंने पकड़ना चाहा वो पॉसिबल नहीं हो सका। ये आप समझ सकते कि काकोरी ट्रेन लूट में भी वो इन्वॉल्व थे और जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी था उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद इन्वॉल्व थे। तो ब्रिटिशर्स ने कितना चाहा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ना, पर ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। लास्ट में जब चंद्रशेखर आज़ाद के दूसरे दोस्त ने उनको धोखा दिया था और ब्रिटिशर्स को बोल दिया था कि वो अल्फ्रेड पार्क में है, तो ब्रिटिशर्स ने पूरा तैयारी कर लिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क में वो पकड़ लेंगे। पर चंद्रशेखर आज़ाद ने 3 जन को गोली मार के गिरा दिया था, पर बाकी इतने बड़े आर्मी से वो लड़ नहीं पाते थे। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने यह डिसाइड किया था कि वो अपने आप को गोली मार के वहीं पे सुसाइड कर लेंगे। बट आफ्टर बीइंग सराउंडेड बाय द ब्रिटिश हिमसेल्फ ही शॉट हिमसेल्फ। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार दी और वहां पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से अभी जाना जाता है अल्फ्रेड पार्क को। अगला देखेंगे चिटागंग डिफॉल्ट। अगर चिटागंग डिफॉल्ट की बात की जाए वो हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। अब चिटागंग डिफॉल्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। चिटागंग डिफॉल्ट जो स्टार्ट हुआ था वो किया था आपके सूर्यो सेन ने। सूर्यो सेन वहाँ के स्कूल के मास्टर थे और उन्होंने जो यूथ था उनको इंस्पायर किया था कि उनको ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करना है, कि ब्रिटिश उनको टॉर्चर करते। इसके लिए उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को तैयार किया था और स्टूडेंट्स का एक यूनियन बनाया था जो अटैक करने वाले थे चिटागंग डिफॉल्ट में। उन्होंने ये प्लान किया था कि ब्रिटिशर्स के जितने भी कनेक्शंस है, जितने भी फोन लाइन्स है या फिर जो भी ट्रेन है, वो सब रेल लाइन हटा देंगे और वो चिटागंग पे इंडिया का कब्जा कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने सारे फोन लाइन जो है ट्रेन लाइन्स हटा दिए थे या फिर तोड़ दिए थे, पोस्ट ऑफिस पे आग लगा दिया था ताकि ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से अंदर बात ना कर सके। आपको अगर याद हो 1857 में जो डिफॉल्ट हुआ था उसमें पहले तो दिल्ली को कैप्चर कर लिया था इंडियंस ने, पर बाद में आके ब्रिटिशर्स ने काफ़ी आसानी से दिल्ली वापस ले लिया था। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि टेलीग्राफ लाइंस थे, उसके बाद ट्रेन्स थे, जिससे कम्युनिकेशन ब्रिटिश के लिए बहुत आसान हो गया था और वो बहुत जल्दी से यहाँ पर आ पाए थे। सूर्यो सेन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वो एक मास्टर थे, उनको हिस्ट्री अच्छे से याद है और उन्होंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाई किया था, तो उन्होंने ये समझा था कि जब तक उनकी कम्युनिकेशन लाइंस और वो अपने आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह इसीलिए ट्रैवल कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो ब्रिटिशर्स के ह्यूज आर्मी से लड़ाई कर पाए। इसलिए उन्होंने जितने भी लड़ाई के उनके तरीके थे वो सब को सबसे पहले हटाया था। तो उन्होंने डिसाइड किया था ये काम होगा 18 अप्रैल 1930 को। इसीलिए उन्होंने रेड किया था आर्मरी ऑफ पुलिस एंड कट ऑल कनेक्टिंग लाइन्स फ्रॉम कलकत्ता। अब रेड किया था उन्होंने पुलिस के ऊपर क्योंकि पुलिस के पास जितने भी बंदूक बम जो भी थे वो सब रेवोल्यूशनरीज के पास चले गए थे। उन्होंने जितने भी कनेक्शन थे कलकत्ता से, कलकत्ता समझ ही सकते ब्रिटिश के कैपिटल था उस वक्त,
तो उससे अपना सब कुछ कनेक्शन हटाना स्टार्ट कर दिए। आपको जैसे पता ही होगा 1912 में कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो गया था, पर कलकत्ता तब भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था और इसलिए उन्होंने जितना भी कनेक्शन है कलकत्ता से वो हटाने का डिसाइड कर लिया था। पर इसके बाद भी ब्रिटिशर्स आस्ते आस्ते अंदर आना स्टार्ट कर दिए थे। ये आना उनके लिए मुश्किल हुआ था, पर ब्रिटिशर्स को काफ़ी लॉस भी हुआ था इस जगह पे, पर वो आस्ते आस्ते चिटागोंग डिफॉल्ट को दबाने में सफल हो गए थे। तो यहाँ पर पढ़ेंगे बाकी के चैप्टर्स है प्लान बाय मास्टर द सूजू से। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो चिटागोंग डिफॉल्ट हुआ इसका जो मास्टर प्लान है ये सूजू से ने किया था, और जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना हो गया ये सब काम किया था आपके मास्टर द सूजू से ने। ही हिड इन द विलेजेस फॉर द फोर ईयर्स। अब यहाँ पर आप अगर टाइमलाइन देखें 1930 आपको पता ही होगा कि मुस्लिम लीग उस टाइम तक बन चुका था, और ये जो रेवोल्यूशन हुआ था ये हुआ था आपके ईस्ट बंगाल में, और जो विलेजेस थे वहाँ पर ज़्यादातर आपके मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग थे। अब ब्रिटिशर्स को पता था कि ये किसी न किसी विलेज में सूजू से छुपा हुआ है, और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश विलेजर्स को ग्रीड दिखाया, पैसे की लालच दिखाई और बहुत मारपीट भी किया उनके साथ। पर विलेज में किसी ने भी नहीं बताया कि मास्टर था सूर्य से कहाँ पर है, और वो चार साल तक इसी गांव में रहते रहे। फाइनली नेत्रा सेन जो कि एक दोस्त थे उन्होंने बोल दिया था कि मास्टर था सूर्य से कहाँ पर है। इसके लिए नेत्रा सेन को काली मंदिर ले जाके उसका माथा काट दिया गया था बाय द अदर रेवोल्यूशनरीज। जो नेत्रा सेन का सर था वो धर से अलग कर दिया था महाकाली के सामने ले जाके, जब उनको उन्होंने सूर्यो सेन के बारे में बोल दिया था। अगर नेत्रा सेन की बात की जाए तो उन्होंने जो मास्टर था सूर्यो सेन के बारे में बता दिया था उनको ब्रिटिशर्स के तरफ से, उनको ये तो अच्छे से पता था कि अब रेवोल्यूशन उनको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो मास्टर था सूर्यो सेन को पहुँचा देंगे उनके पास, उसके बाद ब्रिटिशर्स उनको पैसा देंगे और वो जाके इंग्लैंड में रह सकते हैं। पर वो जैसे ही अपना घर में जाके बैग संभालने लगे और बैग में सब सामान भरने लगे, उसी वक्त रेवोल्यूशनरीज आ गए थे उनके घर में, और रेवोल्यूशनरीज जाके उनको पकड़ लिए थे और काली मंदिर में ले जाके उनका सर कलम कर दिए थे। बाकी अगर मास्टर था सूर्यो सेन की बात की जाए तो मास्टर था सूर्यो सेन को फांसी की सजा मिल गई थी 12 जनवरी 1934 में। अब ये आप देख ही सकते हैं कि पुलिस पे रेड दिया था, ये कनेक्शन लाइन सारे तोड़ दिए थे, तो आप समझ ही सकते हैं मास्टर द सूर्यो सेन ने ब्रिटिशर्स का कितना लॉस करवा दिया था, और ब्रिटिशर्स इससे काफ़ी गुस्सा थे। ये बताया जाता है कि मास्टर द सूर्यो सेन जब मरने वाले थे उनसे फांसी से पहले उनके सारे दांत तोड़ लिए गए थे, उनके जितने भी नाखून हैं वो सब नाखून हाथ और पैर से निकाल लिए गए थे, और उनका आग भी बोला जाता है कि चमन से निकाल लिया गया था। तो उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स का इतना ज़्यादा लॉस कर दिया था, और उन्होंने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया था जिसे बोला जाता है चिटागोंग रिवोल्ट। तो अब हम कंक्लूशन में पढ़ेंगे, ये मास्टर द सूर्यो सेन ने अपने फांसी होने से पहले लिखा गया था, उनके ऊपर जब टॉर्चर स्टार्ट होगा इससे पहले उन्होंने ये सब लिखा था। तो आप समझ ही सकते ये जो लिखा हुआ है रेड लेटर्स, इसका मतलब है दिल में हमेशा ये जो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने अपना जान दिया देश के लिए, अपना सब कुछ दिया अपने कंट्री के लिए, उनका नाम हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। और जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, तब ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पावर में थे जिन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ एक दो लोग के बोलने से और उनके काम करने से एसी ऑफिस में बैठे रहने से ही हम लोग को आज़ादी मिली। पर ये हम लोग को हर ये याद रखिए क्योंकि हम लोग के ज़्यादातर जो किताब है हिस्ट्री बुक्स है वो इस टाइम पे लिखे गए थे जब एक पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पावर में थी और उसने सिर्फ अपने लीडर्स को सही दिखाया, और उसने यही दिखाया कि एक दो जंग की वजह से हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला। और मास्टर द सूर्यो सेन, भगत सिंह, खुदीराम बोसु, ऐसे बहुत सारे लीडर्स, उधम सिंह, ऐसे बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने भटका हुआ नौजवान कहा। तो यहाँ पर चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।